लाइज इन दी हाइपोफि हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ दिला टर्सिका कैटी ऑफ दी स्फिनोड बोन आपने पढ़ा होगा ना इस कल में हमारे जो क्रीनियम है उसकी जो बोन होती है उसमें से एक बोन जो इस्फिनॉयड बोन होती है इस्फिनॉयड बोन में एक डिप्रेशन होता है गड्ढा होता है जिसको हाइपोफाइजियल फोसा एक बड़ा सा डिप्रेशन होता है जिसको हाइपो फाइजियल फोसा कहा जाता है इसी फोसा के अंदर एक छोटी छोटी कैिटीज़ होती हैं उस कैटी को सिला टर्सिका कैिटी कहते हैं उसी सिला हाइपोफाइजियल फोसा स्पिनोइड बोन के हाइपोफाइजियल फोसा ये डिप्रेशन है फोसा बड़ा डिप्रेशन है इसमें एक कैविटी बन गई सिला टर्सिका कैविटी स्पिनॉयड बोन के अंदर उसी कैविटी में ये वन टू वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डायमीटर वाली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है पियर शेप्ड ये लोकेटेड होती है इट रिमेन्स अटैच्ड विद दी हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक कॉल्ड इन्फंडिबुलम मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, है ना डंठल जैसा स्ट्रक्चर जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं उस इनफनडिबुलम के थ्रू ये गोल सी एक बॉल के तरीके की मटर के दाने के तरीके की जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उस सिला टर्सिका कैविटी में लटकी रहती है विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फनडिबुलम और यही इन्फनडिबुलम ऊपर की तरफ इस पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ता है हमारे डाइंसी फिलोन के फ्लोर जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं उससे ये है इन फंडिबुलम पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ता है अब इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू एनाटोमिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट लोब्स यहाँ पर डिफरेंट जोड़ लीजिएगा तो दो जिनकी लोब्स होते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड के जिनकी एनाटॉमी और जिनका फंक्शन जो दोनों डिफरेंट होता है उन दोनों लोब्स का नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर लोब दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूट्री और पोस्टीरियर लोब दो अलग अलग लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के फिगर में भी देखिए मैंने बताया है अब देखिए द एंटीरियर पिट्यूट्री इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को या पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को एंटीरियर लोब को हाइपोफाइसिस कहा जाता है विच फॉर्म्स सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ दी टोटल वेट ऑफ ग्लैंड यही सबसे बड़ा पार्ट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूट्री और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे बड़ा पार्ट बनाता है अकेले ये एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का बाई वेट सेवेंटी फाइव परसेंट कम्पराइज करता है अब इसमें देखिए इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स इन एडल्ट एडल्ट में इस एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट हो गए नंबर ए है पार्स पार्स पी ए आर एस पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स ट्यूबरेलिस ठीक है ना पार्स डिस्टेलिस अब देखिए हाइपोथेलमस की ओर यानी ऊपर की ओर इसका जो बड़ा पोर्शन होता है उसको कहा जाता है पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरेलिस फॉर्म्स दी सीथ अराउंड इन फंडिबुलम नीचे की तरफ देखिए नीचे की तरफ लटका हुआ जो पार्ट है इसका गोल सा पार्ट नीचे की तरफ जो है उसको हम लोग पार्स डिस्टेलिस कहेंगे और पार्स ट्यूबरेलिस जो है वो इन फंडिबुलम की तरफ ऊपर की तरफ होगा और ये इन्फंडीबुलम के चारों तरफ एक खोल एक सीथ का फॉर्मेशन करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट हो गए पार्स डिस्टेलिस नीचे की तरफ इसका गोल वाला जो पार्ट है उसको पार्स कहेंगे ये इसका लार्जर पोर्शन है और पार्स ट्यूबरेलिस ऊपर की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो वहां पर ये इन्फंडिबुलम होगा तो पार्स ट्यूबरेलिस जो है वो इनफंडिबुलम को चारों तरफ से एक सीथ की तरीके से घेरे रहता है तो दो पार्ट हो गए पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरेलिस इस एंटीरियर पिट्यूटरी या एडीनोहाइपोफाइसिस के अब देखिए हम लोग आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करते हैं द पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी इज कॉल्ड एंटीरियर को तो हम लोग ने एडीनोहाइपोफाइसिस कहा नाउ दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट इसके भी दो पार्ट हो गए पोस्टीरियर uh, पिट्यूटरी के पहला है पार्स नर नर्वोसा लार्ज बल्बर पोर्शन नीचे की तरफ जो फूला हुआ पार्ट है उसको हम लोग पार्स नरवोसा कहेंगे और ऊपर तो इन्फनडिबुलम हाई है ठीक है ना तो दो पार्ट हो गए इस न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी पोस्ट्रिय पिट्यूटरी के पार्स नरफोसा नरवोसा एन ई -E आर वी यू एस ए जो इसका लार्ज नीचे की तरफ बल्ब की तरीके से उभरा हुआ जो पोर्शन है उसको पार्स नरवोसा कहा जाता है और ऊपर की तरफ इन्फनडिबुलम होता है अब अ थर्ड लोब कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया जिसको इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं तो एक और लोब होता है लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये नहीं होता है इसकी एट्रॉफ़ी हो जाती है जिस इस लोब को हम लोग पार्स इंटरमीडिया या इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं इट्स एट्रॉफी इट इट एट्रॉफीज ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट जब हमारी फीटस जब डेवलप होता रहता है तो उस वक्त ये ख़त्म हो जाता है इसकी एट्रॉफ़ी हो जाती है अब देखिए आगे क्या है फिगर में आप देखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा दी हाइपोफीजियल हाइपोफाइजियल पोर्टल वीन्स कैरी ब्लड कंटेनिंग न्यूरो हार्मोन्स जिसको रिलीजिंग फैक्टर्स भी कहते हैं फ्राम दी हाइपोथेलमस टू दी एडिनोहाइपोफाइसिस देखिए ऊपर की तरफ ये फिगर में आप देखेंगे ऊपर की तरफ जहाँ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन हाइपोथेलमस लिखा तो यह हाइपोथेलमस है इस हाइपोथेलमस से हाइपोफाइजियल पोर्टल विन्स इस हाइपोथेलमस से इस एंटीरियर पिट्यूटरी में ब्लड भी लेके आती हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेंस देखिए इस फिगर के लेफ्ट हैंड साइड में लेबल किया गया होगा ठीक है ना तो वहाँ पर देखिए दो हाइपोफाइजियल वें पोर्टल वेंस आपको दिखाई दे रही हैं तो ये हाइपोथैलेमस से ब्लड लेके आती हैं इस एंटीरियर पिट्यूटरी में और ब्लड के साथ साथ उस हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जितने भी न्यूरो हारमोन्स होते हैं ठीक है ना जिनको रिलीजिंग फैक्टर भी कहा जाता है वो भी उस हाइपोथैलेमस से इस हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन वेन्स के थ्रू इस एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर करते हैं इसमें आते हैं अब देखिए द एग्जॉन्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एक्सटेंड इन टू द्यूरोहाइपोफाइसिस वे आर दीज एग्जॉन्स टर्मिनेट एज एग्जॉन टर्मिनल अब देखिए पोस्ट्रिय पिट्यूटरी की तरफ जाइए तो पॉस्ट्रिय पिट्यूटरी में आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ नर्व सेल्स हैं जिनके बहुत लंबे लंबे, लंबे एग्जॉन्स हैं इन नर्व सेल्स के देखिए जो साइटॉन और सेल बॉडी है वो तो हाइपोथैलेमस में लोकेटेड है उसके बाद इन साइटोन से निकलने वाले जो एग्जॉन्स हैं वो एग्ज़ॉन बहुत लंबे लंबे होते हैं और नीचे उतर करके ये पॉस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं और वहाँ पर इनके नर्व टर्मिनल्स जो हैं वो या एग्ज़ॉन टर्मिनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि साइनिप्टिक बटन्स वगैरह होता है अब देखिए द एग्जॉन टर्मिनल्स इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर एसोसिएटेड विद स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लिया सेल्स कॉल्ड पिट्यूसाइड सेल्स न्यूरोग्लिया का मतलब ऐसे सेल्स हो गए जो नर्व सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ठीक है ना तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आप देखेंगे कि हाइपोथेलमस से ये नर्व सेल्स और न्यूरोन्स के सेल बॉडीज से यहाँ से ये एग्जॉन निकलता है और एग्जॉन आ, आ करके एक्सटेंड करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक इसी पोस्टीरियर पिट्यूट्री के पोस्टीरियर लोब में आपको इन एग्जॉन्स के एग्जॉन टर्मिनल दिख जाएंगे ये जो एग्जॉन टर्मिनल है इनके चारों तरफ कुछ सपोर्टिंग सेल्स जिनको न्यूरोग्लायल सेल्स भी कहते हैं वो मौजूद होते हैं वो उन एग्जॉन टर्मिनल्स को घेरे रहते हैं और इनको पिट्यूसाइट सेल्स पी आई टी यू आई सी वाई टी पिट्यूसाइट सेल्स भी कहा जाता है नो हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन दी पोस्टीरियर पिट्यूटी पोस्टीरियर पिट्यूट्री में कोई भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता है ठीक है ना बट टू हार्मोन सिंथिसाइज इन दी हाइपोथेलेमिक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कोई हार्मोन्स पोस्ट्रिय पिट्यूटरी में तो नहीं सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन्स हैं जो कि दो हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथेलमस में सिंथेसाइज होते हैं सिंथेसाइज इन दी हाइपो बाई द न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स ऑफ दी हाइपोथेलमस ये जो हार्मोन्स हैं दीज हार्मोन्स रिमेन स्टोर्ड इन स्मॉल वेसाइकल्स इन दी एग्जॉन इंड टर्मिनल्स अब हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रटरी सेल्स में ये हार्मोन जो है वो बने बनने के बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में आ जाते हैं इनके एग्जॉन्स के थ्रू जो न्यूरोसिक्रटरी सेल्स हैं इनके एग्ज़ान के थ्रू ये एग्जॉन टर्मिनल में पहुंच जाते हैं और एग्ज़ोन टर्मिनल में कुछ छोटी छोटी वेसाइकल्स के अंदर ये हारमोनस जो है वो स्टोर्ड हो जाते हैं तो एग्ज़ान टर्मिनल के अंदर मौजूद ये जो वेसाइकल्स हैं जो जिनके अंदर ये हारमोन्स स्टोर्ड हैं उन वेसाइकल्स को हेरिंग बॉडीज कहा जाता है तो हेरिंग बॉडीज और कुछ नहीं है ये जो हेरिंग बॉडीज हैं दीज आर दी बॉडीज विच आर वेसाइकल्स विच आर लोकेटेड एट दी एग्जॉन टर्मिनल्स ऑफ दी पॉस्टीरियर पिट्यूटरी तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या ये जो स्ट्रक्चर है इसका फिगर आप लोग वही वाला बना लीजिएगा इसको पढ़िएगा ठीक है ऑल दी बेस्ट मैं कल पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म करके अब नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरी यूनिट भी फिनिश कर दूँ फिर जो बचा हुआ पार्ट है आ, क्रोमोजोम वगैरह वो बताते हुए सिलेबस कंप्लीट करूँगा ठीक है आप लोग भी पढ़ते जाइए साथ साथ में सभी लोग